Hello children, I am Poonam Bagga and we are studying chapter 6, Squares and Square Roots. In our previous class, we learnt that what are square numbers, their properties and some patterns in square numbers. Today we are going to do exercise 6.1 based on it. Here is the first question. What will be the unit digit of the squares of the following numbers? यहाँ हमें कुछ numbers दिए हैं और हमें इनके स्क्वायर्स में यूनिट डिजिट वंस प्लेस डिजिट बतानी है. फर्स्ट नंबर इज 81. तो 81 का स्क्वायर करते हैं. पहले 81 का स्क्वायर हम कैसे डिनोट करेंगे? वी डिनोट इट बाय अ पावर 2 एंड वी रीड इट एज 81 स्क्वायर. एंड दिस मींस इस पावर 2 का मतलब है कि 81 को हम 81 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स. 81 इंटू 81. ठीक है. अब यहाँ हमें जो भी आंसर आएगा उसकी लास्ट डिजिट बतानी है, वंस प्लेस डिजिट. तो हमें ये पूरा मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है. हम क्या करेंगे, सिर्फ ये जो इसकी वंस प्लेस डिजिट है इसी से बता सकते हैं. 1 1 1 होगी. तो जो भी स्क्वायर आएगा उसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. तो हम ये कहाँ से पता कर रहे हैं? इस नंबर की जो वंस प्लेस डिजिट है उसका स्क्वायर करने से. ठीक है. तो अब आप बताइए, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81 विल बी 1. व्हाई 1? बिकॉज 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1. हियर वी आर लुकिंग एट दिस वंस प्लेस डिजिट. ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, इसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे और जब आप ऐड करेंगे तो यहां तो 1 ही आएगा ना, आप देखिए. और अगर हम पूरा मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा 8 8 64, 8 1 8, नाउ वी हैव 8 8 16, 6561. तो ये पूरा मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है. ये जस्ट मैंने इसलिए किया है आपको कि आप विजुअलाइज कर सकें कि हाँ सच में ही लास्ट डिजिट 1 आएगा. और ये किससे आ रहा है? इन दोनों के प्रोडक्ट से, या कह लीजिए इस लास्ट डिजिट के स्क्वायर से. ठीक है, तो अब बहुत आसान हो गया हमारा काम. इसकी लास्ट डिजिट है 2 और 2 स्क्वायर इज 4. हमें पता है 2 स्क्वायर इट इज 4. तो अब इस पूरे नंबर के स्क्वायर की लास्ट डिजिट या वंस प्लेस डिजिट हो जाएगी 4. यहां पर लास्ट डिजिट है 9, 799. लास्ट डिजिट है 9, तो हम किसका स्क्वायर करके देखेंगे? सिर्फ इस लास्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे. 9 इंटू 9 इट इज 81. अब इसकी भी वंस प्लेस डिजिट 1 आ रही है, तो इसकी स्क्वायर, इस पूरे नंबर के स्क्वायर की वंस प्लेस डिजिट क्या होने वाली है? 1. है ना इजी? बहुत इजी है ये. 3853. यहां पर वंस प्लेस डिजिट है 3 एंड व्हाट इज 3 स्क्वायर? इट इज 9. तो अब जब हम इस पूरे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसकी वंस प्लेस डिजिट भी हो जाएगी 9. ठीक है. 1234. यहां वंस प्लेस डिजिट है 4 और 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, दैट इज 4 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 16. यहां पर लास्ट डिजिट है 6, तो इस पूरे नंबर के स्क्वायर करने पर वंस प्लेस डिजिट हो जाएगी 6. ठीक है. वी हैव सम मोर नंबर्स. 26387. अब यहाँ पर लास्ट डिजिट हमारी है 7 और आपको पता है 7 स्क्वायर इज 49. तो इस पूरे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसकी लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी? वंस प्लेस डिजिट या यूनिट्स प्लेस डिजिट, वो हो जाएगी 9. ठीक है. 52698. वंस प्लेस डिजिट इज 8. स्क्वायर दिस नंबर 8 स्क्वायर, इट इज 64. So, the ones place digit or the units place digit of this complete number will be 4. यहाँ से देखिए ये 4. ठीक है. Then we have 99,880. इसकी last digit 0 है और naturally जब हम इसका square करेंगे तो उसकी भी ones place digit 0 होनी चाहिए. Why? Because 0 into 0 is 0. Here we have the last digit as 6. So, if we multiply 6 by 6, we get it as 36. यहाँ पर भी 6 है, तो square of this complete number will end at digit 6. Okay?
Then we have 55,555. Last digit is 5. And 5 is a number. On squaring, we get 25. और यहां पर भी वंस डिजिट है 5. तो इस पूरे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वंस डिजिट हो जाएगा 5. ठीक है. तो ये था क्वेश्चन 1. वी टेक ऑन द सेकेंड वन. द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वेयर्स. ये सारे नंबर्स क्वेश्चन में ही बताए हैं कि ये परफेक्ट स्क्वेयर्स नहीं हैं. वी हैव टू सिंपली गिव द रीजन. ठीक है. तो आप देखिए, हमने कुछ रूल्स पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वेयर नंबर्स. क्या पढ़ा था हमने? इफ देयर आर 2, 3, 7 और 8 एट वंस प्लेस डिजिट और यूनिट्स प्लेस डिजिट, देन इट इज नेवर अ स्क्वेयर नंबर. अगर यूनिट्स प्लेस डिजिट आपकी 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो तो वो नंबर कभी भी स्क्वेयर नंबर नहीं होता है. एक रूल तो हमने ये पढ़ा था. दूसरा रूल क्या होता है कि इफ अ नंबर हैज़ ऑड नंबर ऑफ जीरोस देन इट कैन नेवर बी अ स्क्वेयर नंबर. मतलब जैसे 4000 ले लिया हमने, तो यहाँ पर 3 जीरोस हैं, ऑड नंबर ऑफ जीरोस, तो ये कभी भी स्क्वेयर नंबर नहीं होगा. तो ये रूल्स अप्लाई करते हुए हम देखते हैं कि ये दिए हुए नंबर्स स्क्वेयर नंबर्स क्यों नहीं है. आप देखिए, यहाँ पर 7 है, यहाँ 8 है, इसमें 3 है, यहाँ पर 2 है, ये 2 है. तो ये सभी नंबर्स स्क्वेयर नंबर्स नहीं हैं, बिकॉज वी नो दैट इफ देयर इज 2, 3, 7 और 8 देन इट इज नेवर अ स्क्वेयर नंबर. तो ये 5 नंबर्स तो सिंपली स्क्वेयर नंबर्स क्यों नहीं है हम बता पा रहे हैं. अब रिमेनिंग नंबर्स पे देखिए, 3 जीरोस 1 जीरो, तो ये ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं इनमें, इसलिए ये भी स्क्वेयर नंबर्स नहीं हैं. ठीक है, समझ में आया आपको? अब इस आंसर को प्रेजेंट कैसे करेंगे हम, वो देखते हैं. वी नो दैट अ नंबर हुज यूनिट्स प्लेस डिजिट इज 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ स्क्वेयर नंबर, एंड अ नंबर विच एंड्स इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ स्क्वेयर नंबर. तो पहले तो आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेंगी, तभी आप अपने रीजन दे सकते हैं हर पार्ट के लिए. जैसे अब हम देंगे, द गिवन नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वेयर्स बिकॉज 1057 एंड्स विद 7. आप देखिए, 7 पे एंड हो रहा है इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 23,453 एंड्स विद 3. ये 3 पर एंड हो रहा है इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. दिस नंबर 7,928, इट इज़ एंडिंग एट 8 और इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इट इज़ एंडिंग विद 8, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. दिस इज एंडिंग विद 2, सो इट इज़ अगेन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, वी हैव सम मोर नंबर्स. अब आप बताइए, ये क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर? येस, द नंबर ऑफ जीरोज इज ऑड हियर, सो इट हैज ऑड नंबर ऑफ जीरोज. दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. अगेन इट इज एंडिंग विद 2, सो इट हैज 2 एज द वंस प्लेस डिजिट. आप कैसे भी किसी भी लैंग्वेज में आंसर दे सकते हैं, द मीनिंग शुड बी करेक्ट. ठीक है, सो इट इज हैविंग 2 एज द वंस प्लेस डिजिट, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर नंबर. हियर अगेन इट हैज ऑड नंबर ऑफ जीरोज, 3 जीरोज, और इसलिए ये स्क्वेयर नंबर नहीं है. हैज ऑड नंबर ऑफ जीरोज. Okay, that is why it is not a perfect square. Let me take the screen to somewhat left side so that everything is visible to you. This one, why is it not a perfect square? Because it has a single zero, an odd number of zero. So, aap likhenge, has an odd number of
0, एंड दैट इज वाई इट इज नॉट अ स्क्वेयर नंबर. ठीक है, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? बहुत ही इजी है. नेक्स्ट वी टेक ऑन द क्वेश्चन, द स्क्वेयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स. अब हमने पढ़ा था कि अगर ऑड नंबर है तो उसका स्क्वेयर ऑड होगा, अगर इवन नंबर है तो उसका स्क्वेयर इवन होगा. ये हमने पढ़ी थी बात. तो अब आप देख लीजिए, ये ऑड नंबर है तो इसका स्क्वेयर क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए. ये इवन नंबर है तो इसका स्क्वेयर इवन होना चाहिए. अगेन इट इज़ ऑड, इट इज़ इवन, तो इसका स्क्वेयर ऑड होना चाहिए और इसका स्क्वेयर इवन होगा. नाउ लेट अस राइट द आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू गिव द रीज़न. वी नो दैट द स्क्वेयर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, वाइल द स्क्वेयर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, एंड देयरफॉर द स्क्वेयर ऑफ 431 इज एन ऑड नंबर. ठीक है, ये समझ रहे हैं ना आप? ये खुद एक ऑड नंबर है तो इसका स्क्वेयर भी ऑड ही होगा. दिस वन 2826, ये एक इवन नंबर है, सो द स्क्वेयर ऑफ दिस नंबर इज एन इवन नंबर. 7779, अगेन इट इज एन ऑड नंबर, सो द स्क्वेयर ऑफ, कंप्लीट द सेंटेंस टेकिंग फ्रॉम हियर, द स्क्वेयर ऑफ 7779 इज एन ऑड नंबर. And similarly, the square of 82,004 is an even number. क्योंकि ये खुद एक even number है. Because it is an even number itself. Got it? It's again an easy question. Then we have, observe the following pattern and find the missing digits. Just pay attention and observe the pattern which is hidden here. आप देखिए, 11 square is 121. 101 square is 10,201. आप पैटर्न पे जाइए, लेफ्ट और राइट दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वन है हमारे पास और बिल्कुल सेंटर में टू है, और इनके बीच में उतने ही जीरो हैं जितने कि यहाँ क्वेश्चन में जीरो हैं. 10 तो 10, यहाँ देखिए 20s तो बीच में 220s. और याद रखिए, लेफ्ट और राइट एक्सट्रीम पॉइंट्स पे वन है और बिल्कुल सेंटर में हमारे पास यहाँ टू है. इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्या हम ये नंबर्स लिख सकते हैं, मिसिंग नंबर्स? बहुत इजी है. आप काउंट कीजिए, कितने जीरोस हैं? 4. लेफ्ट और राइट में तो 1 है ही, सेंटर में 2 है. अब 2 के दोनों तरफ लेफ्ट राइट में कितने जीरोस होने चाहिए? जितने क्वेश्चन में हैं. 4 जीरोस हैं तो 4 जीरोस, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया इसका आंसर. So without actually multiplying this number by itself, we are easily able to give the square of this number just by the help of this pattern. है ना मज़ेदार? अब आप इसका लिखिए, बताइए. देखिए, left और right extreme points पे 1, बिल्कुल center में 2. और अब ये जितने zeros हैं दोनों तरफ लिख देते हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. So 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, and this is the answer. Very simple and interesting. So you can write the final answer in this way. Okay, then we have the next question. Again we have one pattern. Observe the following pattern and supply the missing numbers. Ab naya pattern hai, dekhiye aap. 101 square is 10,201. Similar hai piche se. Ab yahan par we have 10,101. And what we are seeing, here we are having 3 ones. 1, 1, 1. 3 1 है तो हम center में 3 तक पहुँच रहे हैं, और 10, 20, 30, और फिर reverse decreasing order में 20 and then 1. Left most point पे और right most point पे हमारे पास दोनों में 1 है. अब इसका answer try करते हैं. Again we will have 1 at both the end points. ठीक है, और हमारे पास कितने 1 हैं? आप देखिए, 1 2 3 4, 4 1 है. तो अब हम सेंटर में 4 तक चलेंगे. किस तरह से? 10 20 30 40, और अब डिक्रीजिंग ऑर्डर 30 20, और फिर 1 आ गया हमारे पास. है ना इंटरेस्टिंग? अब इसी तरह से इसका हमें नंबर लिखना है जिसका ये स्क्वायर है. तो आप देखिए, सेंटर में ये 5 तक जा रहा है, इसका मतलब कितनी बार 1 होना चाहिए? 5 बार. 1 2 3 4 and 5. 1 2 3 4 5. सो इट इज़ एक्चुअली
दिस नंबर हुज स्क्वेयर इज दिस लार्ज नंबर. ठीक है, गॉट द आंसर. एंड यू कैन राइट द फाइनल आंसर इन दिस वे, इन अ नीट वे. ओके, देन वी हैव क्वेश्चन 6. अगेन वी हैव वन पैटर्न. यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स. अब आप देखिए, 1 square + 2 square + 2 square इज इक्वल टू 3 square. सेकेंड पे चलते हैं, 2 square + 3 square + 6 square इज इक्वल टू 7 square. 3 square + 4 square + 12 square इज इक्वल टू 13 square. हम इसे कैसे रीड कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, स्क्वेयर पावर 2 को हम स्क्वेयर फॉर्म में रीड कर रहे हैं. अब इसमें पैटर्न क्या है, आप यहाँ देखिए, 2, 3 जा 6, और 6 का नेक्स्ट नंबर सक्सेसर 7 आ रहा है. 3, 4 जा 12, और फिर 12 का सक्सेसर 13, वन मोर देन 12. 1 × 2 इज 2, एंड देन द सक्सेसर ऑफ 2, 2 + 1 इट्स 3. ये पैटर्न हमें छुपा हुआ दिख रहा है यहाँ पे. अब हम मिसिंग नंबर्स बड़े इजीली लिख सकते हैं. बताइए यहाँ पर क्या नंबर आना चाहिए. यस, 4 × 5 इट्स 20, सो 20 square, एंड द सक्सेसर ऑफ 20 इज 21. बिल्कुल सही बैठ रहा है यहाँ पे. सिमिलरली 5 × what इज 6 30. बताइए 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 आए. यस, इट्स 6. तो यहाँ आना चाहिए 6 square. और आप देख लीजिए, 30 का नेक्स्ट नंबर है 31. नेक्स्ट 6 square + 7 square + what, क्या आना चाहिए यहाँ पर. 6 7 जा 42, एंड वॉट विल बी द नंबर हियर. 1 > 42, इट विल बी 43 square. हो गया ना ये आंसर. तो है ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न, एंड इट्स वेरी सिंपल आंसर. नेक्स्ट वी टेक ऑन क्वेश्चन 7. विदाउट एडिंग फाइंड द सम. अब ये हमें नंबर्स दिए हैं और हमें ऐड नहीं करना है, पर हमें सम बताना है. तो आप यहाँ देखिए क्या नंबर्स दिए हैं. 1, 3, 5, 7, 9, ये तो ऑड नंबर्स दिए हैं. और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक पैटर्न पढ़ा था, ऑड नंबर्स से रिलेटेड और स्क्वेयर नंबर्स से रिलेटेड. हमें पता है कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इट इज इक्वल टू हाउ मच. यस, कम अप विद द आंसर. यस, इट्स इक्वल टू एन स्क्वेयर. अगर हम एन ऑड नंबर्स लेते हैं, उनका सम लेते हैं, तो वो इक्वल टू होता है एन स्क्वेयर के. और अब आप काउंट कीजिए कितने ऑड नंबर्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 ऑड नंबर्स हैं. तो इनका सम इक्वल टू क्या होना चाहिए. यस, इट शुड बी इक्वल टू 5 square. एंड वॉट इज 5 square, इट इज इक्वल टू 25. बस सिंपल आंसर. हो गया फर्स्ट पार्ट. देन वी लुक एट द सेकेंड वन. काउंट द ऑड नंबर्स, कितने ऑड नंबर्स हैं ये देखना पड़ेगा हमें. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दे आर 10 ऑड नेचुरल नंबर्स. तो इनका सम किसके इक्वल होना चाहिए. यस, इट इज इक्वल टू 10 square. एंड 10 square इज 10 × 10, दैट इज 100. वेरी सिंपल. देन अगेन काउंट द नंबर्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. दे आर 12 ऑड नंबर्स एंड द सम विल बी इक्वल टू 12 square. यस, एंड आई होप दैट यू ऑल हैव लर्न्ड द स्क्वेयर्स. वॉट इज 12 square? कम अप विद द आंसर. यस, इट्स 144. सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स. फिर से यहाँ पर ऑड नंबर्स की बात हो रही है, और हमें 7 ऑड नंबर्स लेने हैं, और 49 को 7 ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो हमें पता है कि सम ऑफ फर्स्ट एन, बाय फर्स्ट एन वी मीन स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ऑड नेचुरल नंबर्स इट इज इक्वल टू, लेट मी टेक इट टू द लेफ्ट साइड, एन स्क्वेयर. वी ऑल नो दिस. ठीक है,
और अब हम कितने ऑड नंबर्स ले रहे हैं, 7. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नेचुरल नंबर्स. Is equal to 7 square and 7 square is equal to 49. So simply we need to now write down the odd numbers. 1, start from 1, then 3, 5, 7, 9, 11, then 13. Are they 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, it is equal to 49. And this was asked from us. Express 49 as the sum of 7 odd numbers. We have expressed 49 as the sum of 7 odd numbers. ठीक है, क्योंकि first 7 odd numbers का sum क्या होगा, 7 square, that is 49. ठीक है, next we take the second part. Express 121 as the sum of 11 odd numbers. आप जानते हैं 121 is equal to 11 square. और हमें 11 ही ऑड नंबर्स चाहिए, तो यही कनेक्शन है यहां पर. सम ऑफ फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 11 मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इट विल बी इक्वल टू 11 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121. नाउ टेक 11 ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, then 15, then 17, then 19, then 21. Let us count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. And this is equal to 11 square, which is equal to 121. And now we have expressed 121 as the sum of 11 odd natural numbers starting from 1. Clear? Then we have this last question. How many numbers lie between squares of the following numbers? 12 square or 13 square ke beech mein kitne numbers lie karte hain? Question ye hai ki 12 square it is 144 and 13 square it is 169. Inke beech mein kitne numbers lie karte hain? To kya hum unki counting likhenge? बिल्कुल नहीं. इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला है और वो क्या है, इफ वी हैव अ नंबर n एंड इफ वी हैव अ नंबर n प्लस 1, तो इनके स्क्वायर के बीच में 2n नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स लाए करते हैं. ठीक है, याद आया आपको फॉर्मूला कि दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में 2 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए छोटे नंबर को, तो उतने नंबर्स मिलेंगे इन दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में. ठीक है, तो अब हम आंसर लिख सकते हैं बड़े इजीली. फर्स्ट वी राइट द स्टेटमेंट, देयर आर 2n नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ नंबर्स n एंड n प्लस 1. ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स लाए करते हैं, 2 टाइम्स द स्मॉलर नंबर n. अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें पता करना है कि 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाए करते हैं. यही है हमारा फर्स्ट पार्ट, 12 एंड 13. सो बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू 2 इनटू द स्मॉलर नंबर, और इन दोनों में स्मॉलर नंबर है 12, इट विल बी इक्वल टू 24. तो 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर इन दोनों नंबर्स के बीच में, 144 और 169 के बीच में 24 नंबर्स लाए करेंगे. ठीक है, देन द सेकेंड पार्ट इज 25 एंड 26. सो नंबर्स लाइंग बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस फर्स्ट नंबर 25 एंड इट इज इक्वल टू 50. ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में 50 नॉन स्क्वायर नंबर्स लाए करेंगे. ठीक, देन द थर्ड पार्ट इज बिटवीन 99 एंड 100 स्क्वायर्स. जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द नंबर्स लाइंग बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ 99 एंड 100. सो नंबर्स लाइंग बिटवीन 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर
it is equal to 2 times 99 and this is equal to 198. Got it? So, 198 numbers will lie between 99 square and 100 square. So, this was your exercise 6.1. It was very easy. I hope you enjoyed it. Practice these questions and try to make your own questions. Soon we will meet again. Goodbye.